हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दुबई से इंडिया जा रहे हैं। तो कोविड की सिचुएशन में आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। फ़िलहाल तो यूएई ने अभी बहुत सारे टूरिज्म को ओपन कर दिया है, पर रूल्स एंड रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस फिर भी है वहाँ पे। तो हम आगे जाके आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या क्या फॉलो करना है, और जो आपके लिए भी आसानी होगी। शायद आप कहीं पे स्टक हो गए हो, आप घर जाना चाहते हो, या फिर आप कभी कहीं पे ट्रैवल करने का सोच रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज तो हमारा फ्लाइट है फ्रॉम दुबई टू कोलकाता, स्पाइस जेट का फ्लाइट है, और हम लोगों का ये फ़्लाइट है फ्रॉम टर्मिनल टू, दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल टू। हम लोग फर्स्ट टाइम आए टर्मिनल टू में, इसके पहले टर्मिनल थ्री टर्मिनल वन में गए। तो टर्मिनल टू थोड़ा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा ओल्ड मॉडल का है, इतना चकाचौंध नहीं है बाकी टर्मिनल वन और टर्मिनल थ्री जैसा। तो फिर भी सुविधा तो सब कुछ ही है, और सोशल डिस्टेंसिंग सही से फॉलो हो रहा है। देखिए, हम दोनों साथ में भी नहीं बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे चेयर में सोशल डिस्टेंसिंग का स्टिकर है। तो हम लोग आगे आपको पूरा प्रोसेस बताते जाएंगे कि बोथ फॉर रेसिडेंट एंड टूरिस्ट, आपको कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, और आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। तो अभी चेक इन के लिए काउंटर ओपन हुआ है, जा रहे हैं अभी चेक इन करवाने। हाँ, चेक इन करवाने। लॉन्ग क्यू अंटिल देयर। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल टू में जा आ रहे हो कोई डिपार्चर के लिए, और अगर आपको बैगेज रैपिंग सर्विस चाहिए, या फिर आपके पास कुछ टीवी है, जैसे मुझे तो स्पाइसजेट ने बताया था कि आपका टीवी का प्राइस जो है वो फ्री है, मतलब टीवी के लिए कुछ चार्ज नहीं लिया जाएगा। 32 इंच का टीवी था, तो फिर भी इन लोगों ने हैंडलिंग चार्ज बोल के 45 दिरहम लिया, और आप ओनली कैश में पे कर सकते हो, कार्ड से पे नहीं कर सकते हो, तो आपके पास कैश होना ज़रूरी है। स्पाइस जेट की तरफ से ये सब दिया गया है, एक फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर तो है, और पीपीई किट भी है ना। तो दोस्तों, फाइनली हम बोर्ड कर चुके हैं फ्लाइट में। फ्लाइट एज वी कैन सी फ्लाइट डिले है, पर करे क्या, कुछ नहीं कर सकते। और भी एक बात है कि ये लोग कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ कैश। तो कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, पर कैश हमेशा साथ में कुछ रखना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आ गए तो आपको नहीं तो
पूरा पीछे जाना पड़ेगा कहीं पे एटीएम ढूंढ के पैसा निकालो उसके बाद आके पे करो, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस चला जाएगा। तो कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा अपने पास थोड़ा कैश रखना। तो हम लोग अभी कोलकाता एयरपोर्ट में उतर गए हैं और फाइनली होम। तो अभी ये फॉर्म हम लोगों ने फिल कर लिया, तो देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोग आपको बताएंगे। हाँ এদিকে যাও। থ্যাংক ইউ। तो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग एरिया है
Yes, sir. Can I get the video? Yes, sir. Thank you. सब कुछ हो गया और हम बाहर भी आ गए. हमारा इमिग्रेशन भी हो गया. बाहर आने से पहले उन लोगों ने हमारा कोविड नेगेटिव का जो रिपोर्ट है वो चेक किया और उसके साथ ही हमारा बोर्डिंग पास और पासपोर्ट भी चेक किया. उन लोगों ने पूरा स्कैन कर लिया उसको और उसका पिक्चर भी निकाला विद आवर नेम आवर डिटेल्स और उसके साथ वो फॉर्म तो हमने पहले ही जमा कर दिया था. तो ऐसे ही हो गया. बहुत ही स्मूथ था. आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप लोग जब आओगे अपने घर कहीं पे भी आओगे. हाँ, हैसल फ्री ही आओगे. तो अब तक के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. जाते हैं घर. बहुत दिनों बाद घर आए हैं. अभी घर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं. फैमिली को थोड़ा टाइम देते हैं. दुबई वापस जाने के टाइम भी फिर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे. एग्जैक्टली कि जाने का प्रोसेस क्या है. आने का प्रोसेस तो हो गया. जाने का प्रोसेस क्या है हम आपको और सब कुछ डिटेल में बताएंगे. तब तक के लिए बाय एंड keep watching.